So hello guys, namaste and welcome back to my channel. This is Sachin, your host of this channel, और आप देख रहे हैं Experience. हाँ भाई, थोड़ा तबीयत डाउन था कुछ दिनों से एंड अभी भी है, पर अब रोक नहीं पाया मैं खुद को. बनाना है वीडियो, आगे बढ़ना है एंड आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो श्योर बढ़ेंगे. एंड आज हम सुनेंगे जीने दो अमन कलाकार भाई का, एंड हुक दिया है एलडी शशि भाई ने. तो सुनने से पहले एक बात बता दूं, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे एसपी रिएक्ट्स एसपी गैंग में. ठीक है, एसपी गैंग में शामिल हो जाओगे तो बहुत ही मजे ही मजे है ब्रो. जो भी गाना आएगा आप लोग बोलोगे, नीचे अपन रिएक्ट करेंगे एंड सब होते जाएगा ब्रो. ठीक है, व्हाट इज दिस फकिंग फेक एक्सेंट. ओके, जो भी है छोड़ो. गाने में जाते हैं. गाने से पहले स्क्रीन तो लाना पड़ेगा. तो ये आ गया स्क्रीन. आ गया ना भाई? नहीं आया क्या? एक बार चेक कर लेते हैं भाई, कभी कभी नहीं आता है ना, पूरा साला रिएक्शन खराब हो जाता है. फिर देखा नहीं आया है, व्हाट द हेल. अभी एक साथ आ जाएगा. ठीक है, चलो आ गया. स्टैनी इन्फ्लुएंस लग रहा है मेरे को, स्टैनी भाई का होता है ना. स्टैनी का तो पूरा गाना आजकल, जैसे आई एम डन हो गया एंड भूखी जे जोक हो गया, उसमें थोड़ा मम्बल एलिमेंट्स, थोड़ा क्या, पूरा गाना मम्बल एलिमेंट से भरा होता है. लेकिन आई वाइब टू देम ऑल्सो, मुझे वो भी पसंद है. मुझे सब पसंद है भाई, सब तरह का म्यूजिक ला के दे दो मुझे पसंद है. लेकिन उस जॉनरा में अगर अच्छा दोगे तभी मजा आता है. ठीक है, तो देखते हैं गाने में क्या है. ये जो इफेक्ट है ना भाई, ये भी मैंने स्टैनी भाई के जो नया रिसेंट आई एम डन पे देखा है. स्कूल मैंने छोड़ा, नशे को पकड़ा, घर पे कलेश डेली का लफड़ा, घर का किराया लाखों का कर्जा, माँ मेरी बोली कि बेटा तू मर जा, नशेड़ी गंजे. What the hell? ऐसा कौन बोलता है भाई? होता है पर कभी कभी यार छोड़ो, इस पे बात नहीं करेंगे, थोड़ा डिस्टर्बिंग सा है बात, लेकिन होता है. जो जिसको जिसके साथ होता है उसको पता है क्या होता है क्या नहीं, बट टेंशन नहीं लेना है. चलो फड़ा, घर का किराया लाखों का कर्जा, माँ मेरी बोली कि बेटा तू मर जा, नशेड़ी गंजेड़ी नशा ही करता, बस कलम चलाने से घर नहीं चलता, पड़ोस का लड़का तो टीवी में आ रहा, तू बाप के बटवे से पैसा चुरा रहा, करता भी क्या. ये तो हमने भी किया है. अरे नहीं, बचपन में सब करते हैं ना, उस वो एक दो रुपए वाली बात बोल रहा हूँ, ऐसे बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ. दोस्त आवारा, कोई कर रहा था चोरी, कोई कर रहा चिंता, कोई अपने ही बाप पे हाथ उठाए, कोई मर्डर के केस में अंदर भी जाए, मैं बारिश में भीगा धूप में जला, लाखों की भीड़ में अकेला चला, ताबीज और माला तो नहीं मेरे गला में, फर्क नहीं करता मैं राम और अल्लाह में. पापा भाई, लाखों की भीड़ में अकेला चला एंड ऑल्सो ताबीज और माला, मतलब कुछ भी मेरे गला में नहीं है, लेकिन मैं फर्क नहीं करता राम और अल्लाह में. सुपर लाइन, क्या बोलूं भाई. इसमें टेक्निकलिटी मत ढूंढो, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इसको पकड़ो एंड आगे बढ़ो लाइफ में. ठीक है, मत करो यार डिफरेंस. केला चला, ताबीज और माला तो नहीं मेरे गला में, फर्क नहीं करता मैं राम और अल्लाह में. पापा ने बोला क्या रखा है रैप में, झारखंड को लाया मैं हिप हॉप के मैप में, कल तक जो माँ बोली बेटा. लाया है भाई ने, ठीक है, लाया. ये बात तो आपको मानना ही पड़ेगा. ठीक है, मैंने तो पहला झारखंड से भाई को ही सुना. पापा ने बोला क्या रखा है रैप में, झारखंड को लाया मैं हिप हॉप के मैप में, कल तक जो माँ बोली बेटा तू मर जा, आज भाई माँ बोली मुझे जल्दी से घर आ, लोगों को लगता मैं करता नहीं, भविष्य बता दूं मैं ऐसा हूँ, जो जिसको छोटे बालक मुझे डिस करना चाह रहे तो आओ छोटू तुम भी कर लो अब कोशिश भाई. बहुत लोग करना चाह रहे हैं, डिस कर भी रहे हैं, आई नो इट, पर अच्छा भी कुछ लोग, मतलब देखो डिस कर रहे हैं, पता है सबको, थोड़ा मिलता है हाइप वाइप, ठीक है मिलता है, लेकिन अगर उसमें तुम अच्छा कर रहे हो तभी तुमको ऑडियंस जगह देती है. ठीक है, तो एक जो था मैंने देखा था, भाई का नाम याद नहीं है मेरे को, उन भाई ने बहुत अच्छे से किया था. ठीक है, उनका जो फ्लो था बहुत चॉपर फ्लो था एंड उसमें भी क्लियर आ रहा था, वर्ड्स क्लियर एंड क्रिस्प था,
सो इट वॉज नाइस। एंड इनका भी हुक हुक सिर्फ मंबल में जा रहा है, बट गाना इज क्वाइट क्या बोले हिप हॉप टाइप है, मतलब नॉर्मल है, मंबल नहीं है। तो चलो नहीं मेरे दिल की बात, मैं जॉब में जाता था 8 से 5, जब जी अपने छोड़ा दिल मेरा तोड़ा, कागज और कलम को लेके मैं रो रहा, मैं सड़कों पे दौड़ा कुछ करके दिखाना, जीएफ का बीएफ भी मेरा दीवाना, मस्ती का ये तो चल ही रहा है भाई। एक्स को तो कुछ वर्ड्स देने ही है, और वैसे भी स्टैनी भाई के जैसे इन्फ्लुएंस है गाने में तो होना ही था भाई। मैं किसी को गंदा नहीं बोल रहा हूँ ब्रो, आई ऑल्सो सपोर्टेड स्टैनी इन दैट थिंग, की मतलब सपोर्ट मैंने वो आर वर्ड को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया था, समझो बात को। गाने में एक चीज़ को देखो, तुम ऐसे सिंपली बोलते हो ठीक है, एंड एज ए आर्ट पेश करते हो, उसमें डिफरेंस होता है, वो बातों में ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन उसको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रास्ते में जाते हुए किसी को भी ऐसे बोल दो ठीक है, उसको मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, पर स्टैनी ने गाने में बोला था एंड उसके लिए एक अलग पब्लिक है, मानता हूँ दूसरी पब्लिक भी सुनती है लेकिन कम ही सुनती है ना भाई। वैसे तो बहुत चीज़ें हैं जो नहीं बोलना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए टीवी में, पर आता है ना, बस वही है। लड़का देख बना है हस्ती में, बोले का दीवाना, करना नहीं मस्ती, जो बातें मैं बोलूँ वो करके दिखाता, मंदिर और मस्जिद में हर जगह जाता, स्टार्टिंग में करता नहीं कोई सपोर्ट, अब गाने मेरे छोटे करते विस्फोट, गांजा को मला तो लोगों का जला, खुदा का करम जो हाथों में कला, कौन बोला इंडिया में रैपर को दिक्कत नहीं, स्टैन ने सही बोला आर्टिस्ट की इज्जत नहीं, इंस्टा के रील्स में गाली तो आम। स्टैनी भाई की स्टैंड ले रहे हैं भाई कि वाओ, स्टैन की स्टैंड राइम टाइप हो गया ना, तो स्टैनी भाई की ले रहे हैं कि उन्होंने जो बोला था कि रैपर की इज्जत नहीं है, वो सही बात है। तो भाई इंडिया में रैपर को दिक्कत नहीं, स्टैन ने सही बोला आर्टिस्ट की इज्जत नहीं, इंस्टा के रील्स में गाली तो आम, फिर हम जैसे रैपर क्यों होते बदनाम, मैं गाने में गाली दूं मेरी है मर्जी, फक द सोसाइटी तेरी क्यों जलती, हराम का नहीं बेकल्ला का खाता, यूएस का लौंडा गाना मेरा गाता, गाना बनाता तू चूतिया बनाता, झारखंड का लौंडा आज टॉप पे आता, क्या हाँ टॉप पे आता, झारखंड का लौंडा आज टॉप पे आता, टॉप पे आता, झारखंड का लौंडा आज टॉप पे आता। तो भाई गाना कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताओ, उससे पहले मैं बता देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, यही पूछ रहे हो ना, तो सुनो भाई। तो गाना मुझे सुपर लगा, हुक बाय एलडी शशि, हुक में स्टैनी वाला क्यों बोल रहा हूँ बार बार, मंबल, हाँ मंबल, अरे मंबल पार्ट था हुक में, हुक पूरा मंबल में जा रहा था, एंड दैट वॉज सूदिंग फॉर माई ईयर्स एंड आई कैन वाइब टू इट एनी टाइम, तो अच्छा था भाई ठीक है। वाई भी हुक था एंड जो बार्स थी, जो वर्स थे, उनमें भी बातें बहुत अच्छी थी, राम और अल्लाह वाला, एंड ऑल्सो स्टैनी की जो स्टैंड ली भाई ने, एंड भाई ने बताया कि उनकी मम्मी कैसे पहले बोलती थी एंड बाद में बोलती है जल्दी से घर आ एंड ऑल दैट, बहुत अच्छा लगा, सुपर्ब लगा मेरे को। तो आपको कैसा लगा बताओ ज़रूर, एंड कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड और क्या चाहिए, किस चीज़ का रिएक्शन चाहिए बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में। एंड हाँ भाई एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी, कुछ बंदे आजकल थोड़ा ज़्यादा हो रहे हैं, उनका थोड़ा खबर लेते हैं ठीक है, आप लोग बताओ, मैं लाता हूँ वीडियो एक दो दिन में ठीक है, बंदे थोड़ा उछल रहे हैं ज़्यादा, पर गैंगस्टर टाइप बातें नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट्स के साथ आता हूँ हमेशा जब भी आऊँगा। तो चलो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।